इसे हाउस में करो, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। न्यूज़ ऑन इंडिया के डिजिटल पेज पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कल से आप सोशल मीडिया पर लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो एग्रेसिव बयान सुन रहे होंगे। सोशल मीडिया पर उनका यह बयान लगातार ट्रेंड कर रहा है, और जो सबसे महत्वपूर्ण उनके बयान की लाइन थी वो थी कि मैं अपराधियों को मिट्टी में मिला दूंगा। अपने भाषण में दो बार योगी आदित्यनाथ ने ये लाइन बोली कि अपराधियों को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जिन्होंने प्रयागराज का वो वीडियो देखा जिसमें अपराधी एक गवाह को मारने के लिए बम का भी प्रयोग कर रहे हैं, गोलियां भी तान रहे हैं, उसके बाद लोगों के खून में उबाल आ गया। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यही चाहते हैं, क्योंकि जो उनकी सरकार है, उनकी सरकार का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है और जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में एक मॉडल के रूप में पेश करती है, वो है उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर। और अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार रहते हुए लॉ एंड ऑर्डर पर ज़रा भी उंगली उठेगी तो ये विफलता योगी आदित्यनाथ की कही जाएगी। दोस्तों, कुछ दिन पहले कानपुर की वो घटना याद करिए, जहां पर कुछ पुलिस के अधिकारी और कुछ प्रशासनिक अधिकारी अतिक्रमण को हटाने के लिए जेसीबी ले गए थे, यानी कि जो बुलडोजर ले गए थे, और वहां पर एक आग में दो जिंदगियां कैसे जल गई। योगी आदित्यनाथ को तमाम विपक्ष इस मुद्दे पर घेर रहा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ चुप थे। भले ही उनके इशारे पर यह सब नहीं हुआ, लेकिन किया तो उनकी पुलिस ने। और जो बाबा बुलडोजर की उनकी छवि बन चुकी थी, उस छवि को भी कहीं ना कहीं कानपुर की घटना ने डैमेज करने का काम किया, क्योंकि बुलडोजर बाबा की जो इमेज है, और एक तरह से कहें कि जो बुलडोजर है एक ब्रांड एम्बेसडर बन गया है, लेकिन कानपुर की घटना ने उसको काफी डैमेज किया। उसके बाद प्रयागराज में यह घटना हो गई और विपक्ष योगी आदित्यनाथ पर उंगली उठाने लगा। लेकिन विपक्ष से यहां पर एक राजनीतिक और रणनीतिक चूक हो गई, क्योंकि ये जो घटना हुई है, इस घटना में कहीं ना कहीं माफिया डॉन अतीक अहमद का हाथ था। तो उसके बाद तो योगी जी को आप जानते ही हैं कि अगर उनको आप किसी मुस्लिम एंगल पर घेरने का प्रयास करेंगे कि जिस घटना में मुस्लिम अपराधी हैं, और ऊपर से समाजवादी पार्टी उनको उस मामले पर घेरेगी, तो जवाब तो बेहतरीन आपको मिलेगा ही। जहां तक योगी आदित्यनाथ की बात है, तो जो उनके भाषण हैं उसमें हिंदुत्व का तड़का, धर्म का तड़का, उसमें एग्रेशन, उसके लिए योगी आदित्यनाथ पहले से ही बहुत फेमस माने जाते हैं। लेकिन कल योगी आदित्यनाथ ने जो कल सदन में बयान दिया, दोस्तों उसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है। और आप ये भी जानते हैं कि जो सरकार होती है वो हमेशा डिफेंसिव होती है, और जो विपक्ष होता है वो हमेशा ऑफेंसिव होता है, क्योंकि जो आरोप हैं वो सरकार के खिलाफ लगते हैं, और सरकार को डिफेंसिव होकर बहुत ही गर्मजोशी में नहीं बल्कि समझ के साथ उनका जवाब देना पड़ता है। लेकिन कल योगी आदित्यनाथ को लॉ एंड ऑर्डर पर घेरा जा रहा था, इसलिए योगी आदित्यनाथ के तेवर एकदम गर्म हो गए। दरअसल दोस्तों, इसके पीछे एक लॉजिक ये है कि आखिर योगी आदित्यनाथ को इतना एग्रेसिव क्यों होना पड़ा, उसकी एक पॉलिटिकल वजह भी है। और अगर आने वाले दिनों में या कल योगी आदित्यनाथ अपना एग्रेशन नहीं दिखाते तो उससे अखिलेश यादव का कद लगातार बढ़ रहा था। अखिलेश यादव को मैं पिछले एक साल से देख रहा हूँ, वो काफ़ी ऑफेंसिव राजनीति कर रहे हैं। हर छोटे बड़े ज़िले के मुद्दों को लेकर वो योगी आदित्यनाथ को और उनकी सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ फाइटर हैं तो मैं उनसे बड़ा फाइटर हूँ। तो जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करते, या जो ऐसी विपक्षी पार्टियों के नेता हैं जो अकेले योगी आदित्यनाथ से फाइट नहीं कर सकते, तो ऐसे में अखिलेश उनकी पसंद के नेता बनते जा रहे थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मायावती तो बिल्कुल एकदम बैकफुट पर आ गई है,
वो हमेशा जब भी कोई बड़ा मामला होता है तो डिप्लोमेटिक बयान देकर मायावती खिसक जाती हैं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ये भी साबित करने की कोशिश करते हैं कि जो मायावती है वो बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही हैं। तो ऐसे में जो लोग उत्तर प्रदेश में भाजपा को पसंद नहीं करते या योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करते, तो वो लोग अखिलेश को कहीं ना कहीं बाबा के पैडलर मानने लगे थे। और अखिलेश यादव को भी ये बात मालूम है कि योगी आदित्यनाथ का जो ऑरा है वो बहुत बड़ा हो चुका है, अगर वो ऑफेंसिव राजनीति नहीं करेंगे तो उत्तर प्रदेश में वो खत्म हो जाएंगे, कोई होप बाकी नहीं बचेगी। लेकिन अहम मुद्दा ये था कल का कि गुंडागर्दी के मामले पर योगी आदित्यनाथ को घेरा जा रहा था, तो उसका जवाब तो योगी आदित्यनाथ देते ही। जहां तक अतीक अहमद या जो अंसारी बंधुओं की बात है, जो बड़े बड़े अपराधी हैं, उनसे योगी आदित्यनाथ की पुरानी अदावत चल रही है, तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं एक मौका मिल गया और इसी वजह से उन्होंने अखिलेश यादव को सदन के अंदर ही रगड़ने का काम किया। समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था, कोई सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे, प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार पहनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। और अखिलेश यादव उस तैयारी के साथ नहीं आए थे, उनको बिल्कुल नहीं मालूम था कि योगी आदित्यनाथ इस तरह से उनके ऊपर हमला कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, अगर किसी भी तरह का कोई क्राइम होता है तो उसकी जिम्मेदारी सीधी सीधी योगी सरकार की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में और उनके नेताओं में और खासतौर पर योगी में एक आदत है कि वो आपदा में भी अवसर ढूंढ लेते हैं। प्रयागराज की जो तस्वीरें आई उसने कहीं ना कहीं लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक मजबूत मुख्यमंत्री के रहते हुए अपराधी इस तरह से हत्या कैसे कर सकते हैं। बेखौफ दिख रहे थे वो तस्वीरों में। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह का भाषण दिया उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों के दिलो दिमाग में ये बात बैठ गई कि समाजवादी पार्टी अपराधियों की मददगार है। और अखिलेश यादव को जिस तरह से उन्होंने सदन में धोया और कहा कि आप और आपकी समाजवादी पार्टी अपराधियों की प्रोटेक्टर है और मैं जनता का डिफेंडर हूं, तो उसके बाद जो नेगेटिविटी इस घटना के बाद हुई थी कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव रूप में बदल गई। और उसके बाद देखिए पुलिस प्रशासन को, वो प्रयागराज में एक्टिव हो गया, तमाम पुलिस के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो प्रयागराज पहुंच गए, रणनीति बनाने लगे कि अब कैसे भी करके अपराधियों को सबक सिखाना है, क्योंकि उनके कानों में लगातार योगी आदित्यनाथ का वो बयान गूंज रहा है कि प्रयागराज में घटना करने वाले अपराधियों को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। तो दोस्तों ये तो आप यकीन मानकर चलिए कि अब उन अपराधियों का मिट्टी में मिलना तय है, क्योंकि विकास दुबे का कांड आपने देखा होगा, जब उसने सरेंडर कर दिया था मध्य प्रदेश में तो सभी ने सोचा था कि भाई अब तो विकास दुबे जिंदा रहेगा, इस मुद्दे पर राजनीति होगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जो सोच लिया था वो उनकी पुलिस समझ चुकी थी और आज विकास दुबे कहाँ है ये आप सभी को मालूम है। तो योगी आदित्यनाथ का जो ये बयान है उसको लेकर केवल विपक्षियों में ही चर्चित नहीं है सीएम योगी, बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनको पसंद नहीं करते, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, बहुत से ऐसे नेता हैं जो योगी आदित्यनाथ को बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो भी घबराए हुए हैं। और योगी के भाषण की जो गूंज है वो दिल्ली तक गई है, क्योंकि विधानसभा के अंदर एक मुख्यमंत्री इतना ऑफेंसिव बयान कभी नहीं दे सकता। और कहीं ना कहीं अंत में दोस्तों मैं आपको बताऊं कि योगी ने जो अपना बयान दिया है उन्होंने विपक्ष के साथ साथ अपनी पार्टी के अंदर मौजूद उन नेताओं को यह बताने का प्रयास किया है कि मैं दबने वाला नेता नहीं हूं, भले ही मुख्यमंत्री हूं
लेकिन मेरे ऊपर आप किसी तरह का प्रेशर डालेंगे या मुझे आप बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो मैं उसका माकूल जवाब दूंगा। जो मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी आदित्यनाथ की एक छवि थी फायर ब्रांड नेता की, जब अपने मुंह से शब्द बोलते थे तो जो राजनीति करते हैं हिंदू मुस्लिम की, और जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं मुस्लिमों के खौफ से खौफज़दा थे, उन लोगों के जो खून का उबाल है वो बढ़ जाता है। और योगी आदित्यनाथ में वो क्षमता है, जब वो भाषण देते हैं तो लाखों करोड़ों लोग सीधे उनके साथ उनके भाषण से कम्युनिकेशन करते हैं। इसी वजह से योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण के जरिए कहीं ना कहीं ये बात बताने की कोशिश की है कि मेरा एग्रेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। और इसी वजह से योगी आदित्यनाथ का जो टेम्पो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और आप यकीन मानिए, अंत में अपने दर्शकों को बता दूं कि जब भी योगी आदित्यनाथ को आप कोई हल्की बॉल फेंकेंगे तो उस पर सिक्सर लगनाते हैं। और ये भी आप यकीन मानकर चलिए कि अगर कोई मुस्लिम नेता योगी आदित्यनाथ पर अटैक करता है या वो ऐसी पार्टी जो मुस्लिमों की पक्षधर रहती है या कभी रही है तो वो उसको महंगा पड़ सकता है। इसलिए योगी आदित्यनाथ को अगर घेरना है तो थोड़ी सी ठोस रणनीति विपक्ष को बनानी होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार।